दिल्ली के एक कैंसर हॉस्पिटल में हूँ, और आज वैसे छुट्टी थी, जन्माष्टमी की छुट्टी थी, तो मुझे ये मेरे भाई मिले। अब इनका देखे क्या हालत है इनकी। और ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर हुसैनपुर कोई गांव पड़ता है, दिखाना साहब पर्चा अपना। मंसूरपुर के पास कोई हुसैनपुर भोपारा गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के पास है। और इनके वालिद भी हैं साहब, वो दिमाग से कमज़ोर हैं, दिमाग से कमज़ोर है मतलब, और भाई भाई नहीं है इनका, भाई भाई कोई कोई भाई नहीं है, कोई भाई। मुंह में कैंसर, आप आइए एक बार। इनको कहाँ, माउथ कैंसर है भाई जी, जेब के अंदर इसके छाला हुआ था एक साल पहले जी, तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो उससे जीभ तो आधी खराब हो गई, पर यहाँ गले में इसके काफी गांठे हो गई। अच्छा, इस साइड थी, अब यहाँ काफी गांठे हो चुकी है, जो गांठे बढ़ती रहती है और वो फूट जाती है, फिर वो फूट गई तो दूसरी जगह हो जाती है। उन्होंने अपने टेस्ट वगैरह करे तो उसमें सामने आ गया कि कैंसर है। तो अब तकरीबन दो तीन महीने हो गए, तो यहाँ से इलाज चल रहा है इनका। देखिए, ये इनके भाई हैं, इनके मामू के बेटे हैं, और मैं तो एक बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये एक ऐसे वक्त में जहाँ अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहाँ एक मामू का बेटा इनके साथ लगा हुआ है और पूरी ईमानदारी से इनका साथ दे रहा है। और आप तो बोल ही नहीं सकते, थोड़ा जोर मार के बोल देता है वो भी, फिर बोलने में से काफ़ी इतनी दिक्कत हो जाती है, जीभ पे इन्फेक्शन है पूरे पे, तो वो बोलने में जीभ कहीं लगती होगी तो खाते दिक्कत हो जाती है। खाने पीने में इतनी दिक्कत है कि कुछ खाता भी नहीं, कुछ नहीं खा रहा, सिर्फ दाल का पानी पी लिया या जूस कभी कभार पी लिया, या कोई अगर सब्जी बनवाई ऐसे ने अपनी पसंद की तो बस थोड़ा बहुत एक अच्छा, मुझे उसको ऊपर का पानी है, पानी वगैरह लिक्विड पे जी रहा है, लिक्विड पे, सिर्फ लिक्विड पे जी रहा है, बाकी जो चीज़ होती है वो कुछ नहीं खा पा रहा। अच्छा, जैसे अक्सर मैंने देखा है लोग परेशान हो जाते हैं बीमारों से, ऐसा कभी मन में आया कि नहीं मेरा भाई? सर, मन में तो यूँ नहीं आया क्योंकि हमारे साथ ही रहता है, अब सर इसे हम छोड़ देंगे तो इसे रखेगा कौन? अब स्टार्टिंग से इसने हमारे भी काम करे, हमने इसके भी काम करे, आज इसके साथ ये परेशानी है, कल को हमारे साथ भी हो जाएगी, ऊपर वाला ना करे तो सर हम तो इसी वजह से लगे हुए कि बस किसी तरह ऊपर वाले इसे ठीक कर दे, बाकी ठीक है। ये तो देखो इनकी हालत, ये तो पहले से बहुत ज़्यादा सूख गया, 28-29 किलो इसके अंदर वेट है, क्योंकि वेट कराया था हमने यहाँ जी जी, वो भी वेट भी 1-1.5 महीना पहले हुआ था, उस टाइम तो कुछ ठीक सा भी था, अब वो और ज़्यादा वो हो रहा, पहले से डाउन है। देखो, मैं हमेशा मैं अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि भाई ऐसे लोगों की मदद किया करो, अपने आसपास देखा करो, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि ये वो बीमारी है, इस बीमारी में मैंने अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मैंने टूटते हुए देखा है, मैंने उनको बर्बाद होते हुए देखा है। कुछ कहना चाहोगे भाई? परेशानी तो होती होगी, बच्चों का ख्याल आता है कि बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, दो बेटे हैं आपके छोटे छोटे, क्या मुस्तकबिल होगा उनका, वो कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे, अल्लाह तुम्हें ठीक करे, एहसास तो होता होगा। सोचा नहीं था कि इस कंडीशन में आज, रो मत यार भाई, मैं तुमसे पहले रोने लगूंगा, रोना नहीं है। देखो, अल्लाह जिस हाल में भी रखे ना उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो परेशान मत हो मेरे भाई, ठीक है ना, बस दुआ करो अपने हक में भी, तमाम लोगों के हक में भी। और मैं हमेशा मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो इंसान हैं, उनकी हमेशा से मदद की जाए, क्योंकि जो दौलत है वो हमेशा आपके पास नहीं रहने वाली, और पास रहने का सिर्फ एक सबसे बढ़िया अमल तरीका ये है कि उस दौलत को खर्च करो, उस दौलत को ऐसे लोगों पे खर्च करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। भाई ये 5,000 रुपये हैं इनकी मदद के लिए, ठीक है ना बड़े भाई, हमसे जितना हुआ, नहीं मेहरबानी नहीं भाई, ये मेरा हक है और उस तमाम लोगों का हक है जो इस दुनिया में आए हैं। अभी मैंने 5,000 रुपये दिए हैं भाई, है ना, थोड़ा सा आपके भाई हैं क्योंकि यही देखते हैं आपको,
तो दवाई वगैरह का इनसे कुछ ले लेना। और सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि मैं लोगों को दिखा सकूं कैसे लोग हैं ज़माने में जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर आप कोई भी इनको जानता है, आपके गाँव के लोग कोई भी इनको जानता है, तो इनसे डायरेक्ट मदद कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, लोगों की मदद करें, ऐसी मदद करें क्योंकि ये लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।